हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इग्नू की तरफ से दिए गए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। फाइन, सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, इस तरीके के नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली पाने के लिए। फाइन, एंड आप हमसे इंस्टेंटली अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि इग्नू की तरफ से डिफरेंट अपडेट दिया गया है, जिसमें है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का फिर से नया शेड्यूल जारी किया गया है, एंड वैभव वॉइस का डेट रिलीज किया गया है, एंड साथ ही साथ आपका दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो असाइनमेंट सबमिशन का अपडेट था उस पे भी एक बड़ा अपडेट है, एंड और भी अदर नोटिफिकेशन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट आरसी की तरफ से रिलीज किया गया है। इसलिए सभी आरसी के स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक और कम्प्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके हर एक नोटिफिकेशन को। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन, जो कि है आपका असाइनमेंट सबमिशन का न्यू गाइडलाइंस, जो कि आप यहां पर देख पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पटना रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया, राइट। अब पटना रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बता दिया गया है कि आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑनलाइन अगर आप सबमिट करोगे असाइनमेंट को जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए अपना असाइनमेंट, देन आपका लास्ट डेट सबसे पहले यहाँ पर बता दिया गया है 15 अप्रैल 2022, एंड आप ऑनलाइन मोड में गूगल फॉर्म के थ्रू अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाओगे, जो कि यहाँ पर बताया गया है। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर नोट में बता दिया गया है कि यदि आपने अपने असाइनमेंट के हार्ड कॉपी को पहले ही अपने रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर पर सबमिट कर चुके होंगे, देन आपको यहाँ पर फिर से सबमिट करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर आप अपना गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट को सबमिट करते हो, देन आपका फ्रंट पेज कैसे होना चाहिए, फर्स्ट पेज आपको कैसे कवर करना है, तो नेम ऑफ द एनरोलमेंट नंबर आपका होना चाहिए, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। फाइन, वैसे एक गूगल फॉर्म से कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, राइट। सो आप अपना यहाँ पर ईमेल डाल दीजिएगा, जो भी आपका एक्टिव ईमेल होगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, और आप अपना नाम, प्रोग्राम कोड डाल दीजिएगा, स्टडी सेंटर का कोड डाल दीजिएगा, और जो भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे यहाँ पर डाल दीजिएगा। वैसे इसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस तरीके से करके आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। पटना रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट जारी किया जा चुका है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में करेंगे तो स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर पर, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन मोड में करेंगे देन गूगल फॉर्म के थ्रू। फाइन, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितने भी स्टूडेंट पटना रीजनल सेंटर के वो सभी स्टूडेंट देख लेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट अपडेट भी आपके असाइनमेंट सबमिशन के गाइडलाइंस के ऊपर है। इसके बाद हम लोग अदर नोटिफिकेशन को देखेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिकल का इन्फॉर्मेशन है। फाइन, सो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से भी अब जाकर के असाइनमेंट सबमिशन का गाइडलाइन जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह बोला है कि अगर आपने अपने हार्ड कॉपी असाइनमेंट को जाकर के रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पर सबमिट कर चुके हो, तो फिर से आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। फाइन, एंड नेक्स्ट आपको यह बताया गया है कि अगर आप बाहर कहीं पे हो सिटी में और आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए स्टडी सेंटर को विजिट नहीं कर सकते हो, देन आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी यहाँ पर स्पीड पोस्ट की दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। और असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है ये यहाँ पर बता दिया गया है। फाइन, और नेक्स्ट आपको ये भी बताया गया है, अगर आप अपने स्टडी सेंटर का कोड या फिर एड्रेस जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हैं, या फिर क्लिक यहाँ क्लिक करेंगे देन आपको पता चल जाएगा आपके असाइनमेंट का फर्स्ट पेज क्या होगा, आपको यहाँ पर बता दिया गया है। फाइन, और नेक्स्ट आपको ये बताया गया है नोट में कि असाइनमेंट को कैसे कहाँ पे सबमिट करना है, मार्क्स आपका कहाँ पे अपडेट किया जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट निकाल दिया गया है कि बेंगलोर रीजनल सेंटर के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर है, सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा अपना अपना स्टडी सेंटर, यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग ईमेल प्रोवाइड कराया गया है। इस ईमेल के थ्रू भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे, हर एक स्टडी सेंटर के लिए अलग अलग ईमेल प्रोवाइड किया गया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दिया गया है कि आपका प्रैक्टिकल का शेड्यूल रिलीज किया जा चुका है, जो कि बीसीए प्रोग्राम के लिए है, दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। फाइन, टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, राइट, BCSL022 कोर्स कोड के लिए है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे देन आप टोटल इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर देख पाओगे। मैं पीडीएफ को बड़ा कर देती हूँ। डेट आपका यहाँ पर बताया गया है और टाइमिंग आपको यहाँ पर बता दिया गया है। लिस्ट, और यहाँ पर आपको बताया गया लिस्ट ऑफ एग्जामिनी फॉर बीसीए, यहाँ पर कोर्स कोड मेंशन किया गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर दिसंबर 2021 सेशन। सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स, ईमेल, मोबाइल सब यहाँ पर दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स आप अपना एग्जामिनेशन दे लीजिएगा, 4 मार्च 2021 को टाइमिंग आपको यहाँ पर बता दिया गया है। फाइन, एग्जामिनी का यहाँ पर लिस्ट निकाल दिया गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर के वो चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ये सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया
किया गया है फाइन। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके असाइनमेंट सबमिशन का जो अपडेट था दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन के असाइनमेंट सबमिशन, तो उसका अपडेट लगातार किया जा रहा है। 2 अप्रैल को भी किया गया था, बट सभी स्टूडेंट्स का एक ही दिन नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप अपने स्टेटस को चेक करते रहिए। जैसे जैसे अपडेट आए दिन वैसे वैसे मैं अपडेट आपको करते रहूंगी। एंड नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लीजिए, चाहे आपका असाइनमेंट का गाइडलाइंस को या फिर प्रैक्टिकल का, जब भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को सभी स्टूडेंट्स से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।